फ्लैट अभी भी है। आज थोड़ी सी हालत मेरी टाइट है क्योंकि आज मुझे फीवर आया हुआ है। नहीं वाली अब मैं जाती हूं। ये देखो रियान में और उसमें लड़ाई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस शुरू करते हैं हम हमारा आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रेस करने से। जो मैंने कपड़े धुले थे ना वो सारे हो गए थे प्रेस के लिए, तो वही मैं सोच रही थी कि थोड़े से हैं मैं प्रेस कर लेती हूँ इन्हें, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर करने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो फिलहाल अभी मैं इन कपड़ों पर प्रेस कर रही हूँ। यहाँ पर मम्मी का सूट कट करने के लिए, तो ये मम्मी के लिए लेकर आई हूँ मैं ईद के लिए। तो कॉटन दुपट्टे में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है, मम्मी को बहुत पसंद आया। और एक सूट मम्मी का मैं कट कर चुकी हूँ, ये वाला जो कि पहनेंगी मम्मी अलविदा जुमे को। और दो मम्मी के सिले रखे हैं, मम्मी को जो अच्छा लगेगा वो पहन लेंगी। मैं तो फिलहाल बना रही हूँ। और एक सूट मम्मी के लिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ डेली वेयर के लिए। इस पर वाइट शलवार वाइट दुपट्टा है और ये कुर्ती है, तो इसे भी मैं कट करूँगी अभी। तो फिलहाल बस यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। तो गाइज़ मम्मी के जो मैंने सूट कट किए थे ना, अभी आ गई हूँ मैं उन्हें सिलने के लिए। तो दोनों सूट कट कर लिए हैं और दोनों ही सिलूंगी। तो अभी नमाज़ में वक्त है तो सोचा कि तब तक मैं मम्मी के सूट सिल लेती हूँ। तो अभी मैं सिल रही हूँ सलवार मम्मी की, और शलवार में मैंने ये कुर्ती वाला कपड़ा लगाया, इससे मैं डिज़ाइन कर रही हूँ मोहरी को। मम्मी का पूरा सूट सिलकर रेडी हो चुका है, अभी हो गया है नमाज़ का टाइम, तो बस नमाज़ अदा करने जा रही हूँ। फिर मम्मी का एक और सूट देखती हूँ अभी सिलूंगी या बाद में। और देखिए कैसा लग रहा है मम्मी का सूट, बताना ज़रूर। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे तो। मैं लेकर आई हूँ तो मुझे तो प्यारा लगेगा, लेकिन आप लोग बताइएगा। तो फिलहाल सिलकर रेडी हो गया है, शलवार भी रेडी है, शलवार में कमरबंद भी डाल दिया है मैंने। तो बस मम्मी का पहनना बाकी है, अब देखते हैं मम्मी अलविदा जुमे को पहनेंगी या कब पहनेंगी। फिलहाल मैं तो सिलकर मम्मी का सूट तैयार। तो गाइज़ मम्मी का एक सूट सिल चुका है, मैं आ गई हूँ दूसरा सूट सिलने के लिए। नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुई, लेटी थोड़ा सा, उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ मम्मी का दूसरा सूट सिलने के लिए। तो इसे भी सिल देती हूँ, फिर मुझे अपने भी सिलने हैं और भी सूट हैं मेरे, वो भी सिलने हैं मुझे। तो पहले मम्मी के कंप्लीट करके रख रही हूँ, फिर अपने सिलूंगी। अभी जी की सलवार है और इमरान भाई की शलवार, वो भी सिलनी है, तो पहले इन्हें कंप्लीट करते हैं। तो मम्मी की शलवार जो है ना वो सिल चुकी है, कुर्ती मैं अब सिलूंगी। उज़मा से गले वगैरह मैंने कटवाए हैं, तो दोनों मिलवाट के बस ऐसे ही लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ। उज़मा गले वगैरह काट देती हैं, गलों पे तुरपाई वगैरह कर देती हैं, गले पे तुरपाई वगैरह कर देती हैं। तो बस इस तरह से हम दोनों के चलते रहते हैं काम। और बस सूट सिलूंगी, उसके बाद बनाऊँगी इफ्तारी। तो ईद बहुत करीब आ गई है और टाइम कम बचा है, तो सोच रही हूँ कि ये सारे जो मेरे काम हैं इन्हें मैं पहले ही कर लूँ, पिछली साल की तरह एंड टाइम तक ना करूँ, चांद रात वाले दिन तक ना लगी रहूँ सिलाइयों में। मैं इसे पहले ही करके रख ले रही हूँ, जिससे मुझे इजी हो जाएगा उस टाइम पर। तो बस अभी सिलाई वगैरह से फ्री होंगी, उसके बाद मुझे मेवा वगैरह कट करनी है, वो भी मैं करके रखूँगी। तो फिलहाल अभी तो पहले मैं सिलाई करके रखूँगी कम्प्लीट, और घर की क्लीनिंग भी करनी है, फ्रिज वगैरह भी साफ़ करनी है। ये सब कुछ चलते रहेंगे हमारे बीच बीच में, और आपको बताते रहेंगे कि कब मैं क्या कर रही हूँ। तो फिलहाल कुर्ती सिल लेते हैं। डन हो गया, सिल गया सूट। मम्मी का ये वाला सूट भी सिल चुका है, अभी दिखाती हूँ। पहले मैं मम्मी के कमरबंद सिल दूँ, तो पहले भी कमरबंद सिल लेती हूँ मम्मी की शलवार के लिए। इसकी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही है हमारे यहाँ। ये देखिए गाइस मम्मी के ये वाले दोनों सूट बनकर रेडी हो गए हैं, मतलब कि सिलकर कंप्लीट रेडी हैं। तो ये वाले दोनों मैंने पहले ही सिलकर रेडी कर दिए थे, तो फिलहाल अभी मम्मी का ये वाला भी रेडी है और ये वाला भी रेडी है। अब इस चारों में से मम्मी डिसाइड करेंगी कि मम्मी को कौन सा पहनना है। तो फिलहाल मम्मी का ये वाला सूट सिल गया है, बस गले पर तुरपाई करना बाकी है। देखिए ये मम्मी के लिए मैं ईद के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन मम्मी की मर्ज़ी है कि मम्मी इन तीनों सूटों में से डिसाइड करेंगी कि वो ईद पर कौन सा पहनेंगी। और ये तो मैं मम्मी के डेली वेयर के लिए लाई हूँ, तो फिलहाल मम्मी के सूट बनकर रेडी हो गए। तो गाइज़ आज फिर से जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पर, रेडी हो गई हूँ। फरहान गाड़ी निकाल रहा है, तो बस अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से। निकाल ली बेटा गाड़ी, चलो। तो गाइज़ थोड़ा सा फीवर हो रहा है आज, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है सुबह से ही। तो फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। आजा बेटा ले
लेके आओ, फटाफट आ जाओ जल्दी से, आज फिर से ना उठ जाएं, आज उठेंगे तो पापा बहुत डांटेंगे अपन को। आ जाओ, ये देखेंगे मुझे डॉक्टर के यहाँ छोड़कर वहीं से निकल जाएगा कोचिंग के लिए। और ये वाले बैग मैंने उस दिन खरीदे थे फरहान के लिए, रियान के लिए, दोनों के सेम है। तो पिछली बार आई थी मैं फरहान के साथ, इस बार आई हूँ मैं रेहान के साथ में। तो अभी बस माँ बेटे उड़े जा रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, गरम गरम, ठंडी तो नहीं कहेंगे, गरम हवा चलने लग गई है अब। ये देखें हबी जी उधर से आ गए हैं शॉप से, इधर से हम लोग आ गए हैं, और रेहान आगे निकल गया। हबी जी कह रहे हैं भाई लोगों पीछे रह गया, क्लिनिक पीछे रह गया। तो अभी आ गए हम लोग हमारे फैमिली डॉक्टर के यहाँ। आज टाइम पर हैं, अभी 11 नंबर और बचे हैं, इसके बाद हमारा नंबर आएगा। यहाँ पे जनाब आ चुके हैं, आ बेटा। भाजी मिर्ची वाला तो 1500 रुपये लेगा बेटा। DST आगे दो चल रहे हैं, लेकिन दोनों DST से उनको ले जाना होगा। 1500 रुपये दे दो आप, जी ठीक है। अभी जीवा कॉल आ गया है दुकान पे से, कस्टमर को छोड़ कर आए हैं। उन्होंने मेरी बात कर सरपंच जी है, वो औरतों मुझे पकड़ा दी, और DST कंप्लीट कर दी मैंने, तो डोर में लगी हुई है। क्या नहीं पैसे ही बोल गए थे, आप ही बोल गए थे आप ले आएंगे भैया, है जो आपने जी दी वाले देना आपको है। अच्छा बच्चा और बहू आए थे ना आपके, तो 1500 रुपये दिए थे, 1500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। ये रियान बैठा है सामने, वेट कर रहा है, ये कोचिंग निकलेगा यहाँ से। तो गाइस अभी नंबर नहीं आया है, आज हम लोग टाइम पर आ गए हैं लेकिन नंबर नहीं आया, तो वेट कर रहे हैं नंबर आने का, दिखाएंगे उसके बाद घर निकलेंगे। अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं दोनों जन बैठकर। शुगर है नहीं, शुगर का ही कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है इनका भी, पर फिर जब मैं उनके सर्जरी के लिए आया तो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा और बताओ क्या दिक्कत है? गाइस आ गए हैं दवा लेकर, 5 दिन की दवाएं दी हैं डॉक्टर साहब ने, और बोला है 5 दिन बाद आएं और दिखाएं कि कैसे हैं, रिलीफ मिला या नहीं मिला है। 5 दिन की दवाइयां खाकर मुझे वापस दिखाना है। तो गाइस आ चुकी हूँ डॉक्टर के यहाँ से, और अफ्तारी बना रही हूँ। अफ्तारी में कुछ नहीं बना रही हूँ क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं है, सिर्फ बना रही हूँ प्याज वाले भजिए पालक डालकर, और बनाऊंगी फैनी, बस ये दो चीज़ें बनाऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं बनाऊंगी। और फ्रूट मंगवाए हैं बच्चों से, देखो लेकर आते हैं या नहीं, कुछ काम से जा रहे थे तो बोल दिया था कि फ्रूट ले आना, तो बस अभी फिलहाल बना रही हूँ अफ्तारी। आज थोड़ी सी हालत मेरी टाइट है क्योंकि आज मुझे फीवर आया हुआ है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये लोग नहीं माने, लोगों ने कहा दिखा लो एक बार, उस दिन मैं जा रही थी तब तो मैं थोड़ा सा ठीक थी, लेकिन आज मेरी कंडीशन थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला शिफा देंगे, कंडीशन वगैरह लूँगी तो उससे आराम मिल जाएगा। तो बस अभी पकौड़ियाँ बना रही हूँ मैं, तो बस गर्मा गर्म प्याज वाले भजिए बना रही हूँ, बना लेते हैं। तो फ्रूट्स आ गए हैं, भजिए कुछ मैंने फ्राई कर लिए हैं, कुछ फ्राई हो रहे हैं, तो फ्रूट्स वगैरह को कट करके फ्रिज में लगा रही हूँ, जिससे जल्दी से ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होते हैं तो अच्छा लगता है खाने में, तो अभी लगा देती हूँ। सिंपल सोबर सा आज का अफ्तार है हमारा,
मेरी तबीयत की वजह से कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा भजिया ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर हमारी इफ्तारी बनकर हो चुकी है रेडी और लग चुकी है दस्तरखान पे। तो फ्रूट्स हैं, भजिए हैं, जो मैंने प्याज वाले भजिए बनाए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, वो हैं, फैनी है, ढोकला है। तो बस यहाँ पर हमारी इफ्तारी लग गई है और हम सभी लोग बैठ भी चुके हैं, दुआ वगैरह हो रही है इस टाइम पर। तो इफ्तार के टाइम पर जब दुआ मांगते हैं ना तो वो कबूल होती है, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो इस टाइम पर थोड़ा टाइम पहले बैठ जाएं और दुआ करें अल्लाह ताला से अपनी नेक मुरादों को पूरा करने के लिए। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग भी दुआ मांग रहे हैं और अभी मैं रोज़ा खोलूँगी। तो बस यहाँ पर मैं और उज्मा खजूर ले रहे हैं। देखें, ये देखें, आम आकर धुले भी नहीं है और हमारे रियान की चाटा भी नहीं छाटा। ये देखो रियान में और उज्मा में लड़ाइयाँ हो रही हैं कि मैं छाटूंगी, उज्मा कह रही है मैं देखूंगी सबसे अच्छा कौन सा है। उज्मा लेकर भाग गई है एक आम, अभी रियान देख रहा है और मैं कह रही हूँ कि जो इसमें सबसे अच्छा होगा वो दादी अम्मी का होगा, रियान फरहान से। तो ये लोग तरावी से लौटे हैं आम लेकर और देखें पीछे से शोर आ रहा होगा आप लोगों को, इन लोगों का। ये देखो सुनाई दे रहा है आपको, देखो वो कह रहा है देखो मम्मी, देखो मम्मी, वो कह रही है देखे रियान लेकर। ये देखे रियान के हाथ में आम नजर आ रहा होगा, ये देखे रियान लेकर भागा भागा इधर उज्मा के भी हाथ में। अच्छा उज्मा काम गया, उज्मा काम गया फरान लेकर। तो यहाँ पर आमों की लड़ाई हो रही है हमारे, यहाँ पर आ गए ये लोग तरावी पढ़ के और यहाँ पर हमारी सैलेड काटने लग गई है, अभी जी के लिए खाना निकालना है। बस आमों को वॉश कर लेते हैं फिर कट करेंगे इन्हें ठंडा करने के बाद। फ्रिज में रखना हो चुका है, आम वगैरह भी खा लिए हैं, आम उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं थे जितने होना चाहिए, अभी इतना मौसम नहीं है आम का, अगर पहले से ले आते हैं ना तो उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता उनमें। खैर फिलहाल गाइज, तो फाइनली आज मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, आज मुझे डॉक्टर मिल गए थे और मैं टाइम पर गई थी, जब टाइम पे जाएंगे तो डॉक्टर तो मिल ही जाएंगे ना। तो बस गाइज फिलहाल मेरा ट्रीटमेंट शुरू है और मुझे हो गया है टाइफाइड, तो उसके लिए मैंने दवा ले ली है, मेडिसिन ले ली है, वो खाऊंगी उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो फिलहाल गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊँगी इसी तरह से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।